तो मैंने सोचा आज कॉफी पीते पीते आप लोग से बात करते हैं। तो सारा दिन ये ऑफिस करके, ऑफिस के सोच में रह के एक वीडियो करना बहुत ही मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो करूँ। तो यही मैं बोल रहा था कि मैं चाहता हूँ और भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंचे, पर मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो स्केड्यूल है उसके बीच में टाइम निकाल के मैं रेगुलर ब्लॉग करूँ और आप तक वीडियो पहुँचाऊँ, ताकि आप लोग का प्यार भी मिलता रहे। और दिन में जैसे आज हम लोगों ने काफ़ी सारा इंटरव्यू लिया ऑफिस के लिए, और मैं खुद एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मेरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं ऑफिस के लिए कि मैं कुछ कुछ चीज़ें जैसे कैंपेन्स है या मार्केट बजट है, तो वो सब कुछ असाइन करूँ। वो सब कुछ असाइन करने के बाद मैं ये भी मेक श्योर करता हूँ कि और भी काम है कि नहीं। जैसे मेरे कंपनी में ऐप मार्केटिंग भी होता है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत नया है। तो मैं अभी ऐप मार्केटिंग कर रहा हूँ फिलहाल, 6 to 7 months से अभी लगे पड़े हैं उस पर। तो कुछ अभी इनिशियल ग्रोथ हम लोग को दिख रहा है, विच इज़ वेरी गुड। टच वुड कि हम लोग को एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। एक एडुकेशनल ऐप है, तो बाकी सब संभालते संभालते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ, इसीलिए शायद रेगुलर मैं व्लॉग नहीं डल पाता हूँ। बट मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना भी शूट कर सकूँ उतना मैं शूट करूँ। और सच बोलूँ तो कभी अभी भी थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ, तो रेगुलर हर जगह पे कैमरा निकाल के व्लॉग करना अभी तक मेरे लिए कंफर्टेबल वो जोन है नहीं। तो यही है टोटल। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा इंटरव्यू लिया, और एक कैंडिडेट अच्छा भी लगा मुझको। फ्रेशर है, एकदम ही फ्रेशर है, बट उसका जो आइडियोलॉजी था, मतलब जो सोच था और जो जिस वे में वो सोच के एक स्ट्रक्चर बना रहा था, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। तो देखते हैं, मैंने अपना इनपुट ऑफिस के मैनेजमेंट को दिया है, तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग बने रहो।